कमरे से बाहर जाते हुए डॉक्टर रिया और एना से कहता है, तुम्हारे सेमेस्टर आने वाले हैं, मैंने हॉस्पिटल में बात करके तुम दोनों की नाइट शिफ्ट चेंज कर दी है। रिया और एना डॉक्टर से थैंक यू कहती है। डॉक्टर के बाहर जाने के बाद रिया और एना दोनों खुशी से कूदने लगती है। उन्हें इस बात का होश भी नहीं रहता कि कमरे में अयान और आमिर भी है। जब उन दोनों का ध्यान अयान और आमिर पर जाता है जो बेड के पास खड़े होकर उनकी हरकतों पर हंस रहे थे, तो रिया और एना काफी ऑकवर्ड फील करने लगती है और जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। 13 दिन बाद एक बिल्डिंग के लिफ्ट में एना की मुलाकात अयान और आमिर से होती है। अयान एना से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो है? एना जवाब देती है, मैंने यहाँ फ्लैट रेंट पर लिया है। फिर आमिर एना से पूछता है, तुमने हॉस्टल छोड़ दिया है? एना जवाब देती है, हाँ 6 दिन पहले ही मैं और रिया यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अयान एना से पूछता है, कौन से फ्लोर पर? एना बोलती है, 12th फ्लोर पर। एना अयान से पूछती है, तुम भी यही रहते हो? अयान ना में सर हिलाता है। बीच में आमिर बोलता है, 18th फ्लोर पर मेरा फ्लैट है। इतनी ही देर में लिफ्ट 12th फ्लोर पर रुकती है। एना अयान और आमिर को घर पर इनवाइट करती है। एना के कहने पर अयान और आमिर भी उसके साथ लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। घर की डोर बेल बजती है। कुछ सेकंड बाद रिया अंदर से दरवाजा खोलती है। रिया सामने अयान को देखकर काफी तेज चीखती है। अयान रिया के मुंह को अपने हाथों से बंद करके घर के अंदर आ जाता है और जल्दी से गेट बंद कर देता है। फिर बोलता है, प्लीज चुप हो जाओ, अगर किसी ने तुम्हारी चीखने की आवाज सुन ली तो वह मुझे गलत समझ लेगा। अयान की बात सुनकर रिया एकदम चुप हो जाती है। अयान अपना हाथ रिया के मुंह से हटा लेता है। रिया कुछ देर पहले ही बाथरूम से शावर लेकर निकली थी और तौलिए से अपने बाल सुखा रही थी। इतनी ही देर में घर की डोर बेल बजने लगी। रिया को लगा कि एना खाना लेकर आई है, इसलिए वह जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए आ गई। अभी उसने सिर्फ बाथरूम पहन रखा है। रिया जल्दी से अयान से दूर होती है और भागकर अपने बेडरूम के अंदर कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। रिया को ऐसी हालत में देखकर अयान शॉक में चला जाता है और वह वही दरवाजे के पास बुद्ध बनकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद रिया कपड़े चेंज करके बेडरूम से बाहर निकलती है। रिया को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे बाथरूम में अयान के सामने आ गई। रिया गेट के पास जाती है और धीरे आवाज में अयान से कहती है, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा दरवाजे के बाहर एना है, इसलिए मैं बिना चेंज करे दरवाजा खोलने के लिए आ गई। रिया की आवाज सुन के अयान शॉक से बाहर आता है। इतनी ही देर में डोर बेल बजती है। अयान जो दरवाजे के पास ही खड़ा था वह दरवाजा खोलता है। बाहर से एना और आमिर अपने हाथों में बहुत सारा खाने का सामान लेकर अंदर आते हैं। अंदर आकर एना और आमिर खाने का सारा सामान डाइनिंग टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ जाते हैं। रिया डाइनिंग टेबल पर जाकर खाना अनपैक करने लगती है। रिया को खाना देखकर इतनी ज्यादा भूख लगने लग जाती है कि वह सब कुछ भूल जाती है। थोड़ी देर पहले अयान और उसके बीच में कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। अयान अभी भी दरवाजे के पास ही खड़े होकर रिया को देख रहा है। उसी वक्त आमिर की नजर अयान पर पड़ती है। फिर वह अयान को आवाज देता है, दरवाजे के पास बुद्ध बनकर क्यों खड़ा है, इधर आ। फिर अयान सोफे पर आकर आमिर के पास बैठ जाता है। एना रिया से कहती है, तुम्हें पता है सारा सामान खरीद कर मैं घर आ गई थी और मुझे लिफ्ट में ये दोनों मिल गए, पर घर के बाहर पहुंचने के बाद मुझे याद आया कि मैं तेरा सैंडविच तो भूल ही गई। एना आमिर की तरफ इशारा करते हुए रिया से कहती है, फिर हम दोनों यान को दरवाजे पर छोड़कर वापस तेरा ये सैंडविच लेने गए थे। मुझे पता था अगर मैं तेरा ये सैंडविच नहीं लाती ना तो मुझे कच्चा चबा जाती। सैंडविच का नाम सुनकर रिया को और तेज भूख लगने लगती है। रिया जल्दी से खाना टेबल पर जमा कर सबको खाने के लिए बुला लेती है। सभी डाइनिंग टेबल पर आकर चेयर पर बैठ जाते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं। रिया आमिर और एना के बीच बैठी थी। तीनों खाना खाते खाते बहुत सारी बातें कर रहे थे, पर अयान चुपचाप बैठकर खाना खाते खाते रिया को देख रहा है। खाना खाने के बाद अयान और आमिर अपने घर चले जाते हैं। जाने से पहले आमिर रिया और एना को पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। 2 दिन बाद आमिर का बर्थडे है, इसलिए उसने घर पर अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखी है।
अयान अपने घर पर आकर बेडरूम में चला जाता है और शावल लेकर सोने के लिए बेड पर चला जाता है। बेड पर लेटकर अयान अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आती। आंखें बंद करते ही उसे रिया का ख्याल आने लगता है कि कैसे दरवाजे खुलते ही रिया अचानक उसे वहां देखकर चीखने लग गई। अयान खुद से बोलता है, उसकी शक्ल देखने लायक थी। यह सब याद करके अयान के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। फिर कुछ देर बाद अयान को नींद आ जाती है।